दोस्तों बेकरी स्वीट शॉप के लिए सॉफ्टवेयर किस तरीके से चला सकता है दोस्तों, उसमें मल्टीपल केओटी प्रिंटर कैसे लगा सकता है दोस्तों, इसमें लाइव वेइंग मशीन किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है, लाइव वेइंग मशीन जो होती है आपको जो भी वजन इसके ऊपर रखेंगे लाइव आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देती है, आप मात्र प्रोडक्ट टच करिए बिल अपने आप बनती है। और ये जो सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहा है जो स्वीट शॉप के लिए एक नंबर का आसान है दोस्तों, कोई भी लोग आपके फैमिली मेंबर भी बहुत आसानी से चला सकता है ये जो बेकरी स्वीट शॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों ये जो वेइंग मशीन लाइव वेइंग मशीन किस तरीके से आप अपना सॉफ्टवेयर में कैसे कनेक्शन कर सकते कंप्यूटर में किस तरीके से कनेक्शन कर सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये जो वेइंग मशीन दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो वेइंग मशीन के पीछे एक पॉइंट अवेलेबल है दोस्तों, 9 पिन अडाप्टर अवेलेबल है, यहाँ में हमने कनेक्ट करके हमने पीसी में कनेक्ट कर सकता है। उसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए इसके जो देखो सरकार का स्टैम्पिंग यहाँ मिलती है और ये कस्टमर डिस्प्ले के लिए ये जो प्रोविजन मिलती है आपको, इधर बैटरी वगैरह सब कुछ अंदर है। ये जो अडाप्टर ये जो वेइंग मशीन के साथ मिलती है दोस्तों, ये देखिए ये जो अडाप्टर होती है, ये अडाप्टर में क्या है, इधर देखो 9 पिन प्रोविजन है, ये देखो इधर देखो आपको ये आपको USB कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, आपको ये जो USB केबल है आपको इस तरीके से लगा सकता है, ये देखिए है ना, और ये जो प्रोविजन जो है आपको इसमें लगा दीजिए बस हो गए, और ये डायरेक्टली आपको अपना पीसी पे लगा सकता है, आपको पीसी पे कोई भी पॉइंट में आपको सीधा सीधा लगा सकता है। ये जो वेइंग मशीन कनेक्ट करने के बाद मैं आपको मल्टीपल केओटी किस तरीके से करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। लाइव वेइंग मशीन इसलिए करके देखो दोस्तों, आपको जो सीट वगैरह होती है एग्जैक्टली 1 kg 1/2 kg नहीं होती है, कभी कभी 820 ग्राम, वो ऑटोमेटिकली आपको बिलिंग करने के लिए प्रोविजन मिलती है ये जो सॉफ्टवेयर के साथ दोस्तों। ये जो वेइंग मशीन कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपल जाना दोस्तों कंप्यूटर का जो डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर में जाकर के आपको पोर्ट चेक करना है कौन से पोर्ट में ये जो USB कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको यहाँ देखिए पोर्ट बोल कर दिखाई देती है आपको, ये देखिए आपको इधर डबल क्लिक करिए दोस्तों, ये आपको देखो सीरियल पोर्ट जो कनेक्ट किया हुआ है COM6 में कनेक्ट किया हुआ है आपको दिखाई देती है, आप इसको मात्र याद करना COM6 ठीक है जी। आप अपना सॉफ्टवेयर में आइए, जो यहाँ से लॉग आउट करके आपको बैक ऑफिस में जाना है जहाँ एडमिन कंट्रोल पैनल होती है, देखो ये जो बैक ऑफिस में चला जाइए दोस्तों, यहाँ देखो आपको यानी सेटिंग्स बोल के मिलती है आपको, यानी देखो ये जो ऊपर देखो ये वाला जो सेटिंग्स में चला जाइए आपने, और इधर टर्मिनल सेटिंग्स में चला जाइए दोस्तों, ये देखिए, और यहाँ देखो मैंने ये जो प्रिंटर ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है मैंने, ये देखो इधर एक्टिव कस्टम देखो एक्टिव वेइंग मशीन देखो ये जो देखिए दोस्तों, ये आपको नाम इसको बदल दीजिए दोस्तों, COM6 करके मैंने डाल दिया, एक्टिव कर दीजिए और अपडेट कर दीजिए दोस्तों, देखो इसको अपडेट कर देना सीधा सीधा, देखो अपडेट कर लिया, बस इतना ही करना दोस्तों। अभी आपको जो भी वजन उसमें रखेंगे ना आपको इसमें दिखाई देंगे, मैंने यहाँ से लॉग आउट कर दे रहा हूँ ये जो सॉफ्टवेयर का, और फ्रंट ऑफिस पे चला जा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, और ये हमने जाएंगे POS पैनल में, ये जो हमको जो जहाँ सेल करती है, तो आपको देखो इधर क्वांटिटी की जगह जो दिखते हैं ना, देखो देखो ये जो जगह है ना, आप इसको जो एक बार एनेबल कर देंगे ना वेइंग स्केल बोल के, तो आपको ये जो वेइंग मशीन इसमें से कनेक्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वजन इसके ऊपर रख देता रहा, ये समझ लीजिए आपको स्वीट ही है 635 ग्राम, जो सेम वजन आपको यहाँ पे भी दिखाई देती है दोस्तों, देखिए ये 635 ग्राम, तो आपको कोई भी मतलब स्वीट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लूज स्वीट जो भी वजन का होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो कोई भी लूज आइटम है ये देखो ये वाला फॉर एग्जाम्पल मैंने टच कर रहा हूँ, देखिए ये 635 ग्राम के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका प्राइस इधर बन के आ जाएंगे दोस्तों, ये आपको इधर से पे बटन क्लिक कर सकता है, देखो पे बटन क्लिक कर देते कैश कर दीजिए और प्रिंट कर दीजिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली यहाँ प्रिंट आउट भी आ जाती है आपको, ये देखिए KOT भी प्रिंट आउट हो चुका है और बिल भी प्रिंट आउट हो चुका है, देखिए वो ग्राम के हिसाब से ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट आ चुका है एकदम प्रॉपर तरीका से, और आपको यहाँ KOT भी आ चुका है किचन प्रिंट आउट। तो मैंने एक इस तरीके से प्रोडक्ट आपको ऐड करके भी दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, मैं उसका हलवा करके एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ, और ये वाला कैटेगरी में हम डाल देंगे, कोई भी कैटेगरी में आपने डाल सकते हैं, बिवरेजेस में डालो, कॉस्मेटिक्स में डालो, हमने बेकरी में डाल देते हैं ठीक है जी, हलवा करके डाल देंगे, केरला हलवा किस ऐड करेंगे एक प्रोडक्ट आपको, देखो इधर देखो यहाँ देखो प्रोडक्ट मास्टर बोल के यहाँ से ही ऐड कर सकता है आपको, ये देखिए आपको ये हलवा रेड कलर है ना, आपको इसको इमेज अगर सर्च करना तो उसको ऑटोमेटिकली देखो इधर इमेज सर्च कर सकता है, ताकि ये जो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं गूगल से ऑटोमेटिकली इमेज को डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में लेके आते हैं, देखिए आपको कई सारी इमेजेस इधर आ जाती है, हमने कौन सा अच्छा पसंद आया आपको वो यानी इमेज इसको सेलेक्ट कर देना दोस्तों, देखो मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट करो या ये वाला डालो या ये वाला डालो,
जो भी आपको ईमेल डालना डाल दीजिएगा। और आपने जो बेकरी के मतलब सारे कैटेगरी आपको इधर दिखाई देती जितना भी कैटेगरी है, आपको बेकरी कैटेगरी हमने जो बताया था तो उसमें डाल दे रहा हूँ मैंने, इसको GST 5% डाल दिया, इसको KG में डालना तो KG में डालो। आपने 50 रुपये में इसको खरीदा हुआ है, सेल करेंगे आपको KG यानी 100 रुपये में सेल कर रहा हूँ एग्जाम्पल के, तो और यानी रीऑर्डर पॉइंट मैंने 1 KG डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टॉक इधर 100 KG डाल दे रहा हूँ, इधर देखिए 100 KG स्टॉक डाल दे रहा हूँ। और इसका देखो किचन कौन सा, किचन में KOT आना है, फॉर एग्जाम्पल KOT आपको समझते हो ना आप, KOT मतलब आपको जितना भी काउंटर होती है कौन सी काउंटर में जाना है, तो KOT 2 करके डालो या KOT 1 करके डालो, जो भी डाल दो आपको डाल दीजिए। और शो इमेज, और इसको सिर्फ और सिर्फ इधर सेव करिए दोस्तों, ये देखिए इसको सेव करिए, बस इतना ही करना दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपको फ्रंट ऑफिस में ये प्रोडक्ट आ जाती है। आपको बेकर एक बार डबल क्लिक करिए, ये हलवा इधर ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये देखिए दोस्तों हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया था, जो हलवा जो है ऑटोमेटिकली इधर आ चुका है। अब इस तरीके से जैसे क्लिक करोगे ना, वो वजन के हिसाब से अभी आया हुआ है, यानी जो वजन उधर रखा हुआ है, यानी मैंने एक प्रोडक्ट इधर रखा हुआ है ना, हमने देखो ये जो दोनों प्रोडक्ट इधर रख दे रहा हूँ, ठीक है जी, 1.185 ग्राम्स है, ठीक है जी। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये आपको न्यू बिल कर दीजिए और यहाँ से आपको सिर्फ ये जो प्रोडक्ट में टच कर दीजिए दस, तो ऑटोमेटिकली 1.185 क्वांटिटी यहाँ जाती है आपको, और उसका पर केजी का रेट और आपका टोटल केजी इतना प्राइस आया हुआ है। और पे बटन क्लिक करिए, कैश क्लिक करिए, यानी बिल प्रिंट आउट कर दे रहा हूँ दोस्तों। ये देखो KOT भी आ चुका है आपको, बिल भी आ चुका है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये देखो 100 रुपीज रेट है, इसका वजन इतना है, इसके हिसाब से इतना प्राइस आ चुका है ना। और इसका जो कि KOT भी आपको देखिए, KOT देख किचन में जो प्रिंट जाती है, तो कि वो लोग जिस लोग बैठा हुआ है वो लोग पैकिंग कर देंगे, और ये जो आपको बिल इस तरीके से प्रिंट आउट आ चुका है। तो मतलब ये जो वजन है ना जी, वजन के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये बिल बना देती है ना, आपको क्लियर हो गया ना जी। ये वजन इधर आ जाएगा डायरेक्टली, ये 85 करके 9 करके राउंड करके ले लिया सॉफ्टवेयर ने, जितना भी क्वांटिटी आपने जो भी प्रोडक्ट इधर रखेंगे, फॉर एग्जांपल स्वीट रखेंगे, जो भी प्रोडक्ट रखेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे दोस्तों। अगर समझ लीजिए ये जो समझ लीजिए ये जो आपका KOT आपको एक ही प्रिंटर में आया, समझ लीजिए आपको KOT ये प्रिंटर में डालना है, ये प्रिंटर में डालने के उसको कंट्रोल कर सकता है, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। तो उसके लिए आप चला जाइए दोस्तों, इधर देखो लॉग आउट कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, 1, 2, 3, 4 कर दीजिए, और आपको देखो इधर जाना है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में जाने से मैंने आपको दिखा दिया कहाँ से इसको कंट्रोल होती है, तो इसको सीधा चलना दोस्तों। देखो किचन सिलेक्शन, किचन सिलेक्शन में जाइए, आपको देखो 2 KOT मैंने इधर बनाया हुआ है, हमने वहाँ से जो भी प्रोडक्ट ऐड किया था ना उधर हमने KOT सेलेक्ट किया था, आपको याद है ये वाला जो KOT हमने सेलेक्ट किया था, ये जो है। तो हमने अभी देखो प्रिंटर को चेंज कर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला प्रिंटर में KOT 1 डाल दे रहा हूँ, देखिए KOT यानी ये जो प्रिंटर दोस्तों आपको एप्सन का प्रिंटर है, KOT 1 अपडेट कर दिया, और KOT 2 जो है आपको मैंने दूसरा प्रिंटर में डाल दे रहा हूँ, ये वाला 80 POS 80 सीरीज अपडेट। चलिए आप इसमें देखो मैंने एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको दोबारा, ये देखो प्रोडक्ट ऐड जब भी करते हैं ना, जो भी प्रोडक्ट आपने ऐड करते हैं, यहाँ देखो आपको जो किचन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, आपको चाहिए तो 3-4 किचन होते हैं और किचन ऐड कर सकते हैं आपको। समझ लीजिए हमने अभी इधर से लॉग आउट करके दोबारा हमने इसको प्रिंट आउट कर देते हैं, यानी कोई भी प्रोडक्ट सेल कर देते हैं फ्रंट ऑफिस से, आप इसको वेइंग मशीन में हटा दीजिए, और मैंने 1 KG सेल कर रहा हूँ, ठीक है जी, और मैंने 7 प्रिंट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इधर देख लेना कौन सा मतलब प्रिंटर में प्रिंट आ जाएंगे, देखिए है ना KOT यहाँ आ चुका है और बिल यहाँ आ चुका है, मतलब आपको समझ में आ गया ना इसको, ये देखो KOT मतलब बिल आ चुका है और ये यहाँ आपको KOT आ चुका है, KOT 02, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल 5-6 काउंटर होती है, 5-6 प्रिंटर लगा दीजिए आपने, ता और एक ही प्रिंटर में आपको सारे करना है तो भी कर सकता है। तो आपको सारे फैसिलिटी है दोस्तों रेनटेक का ये वाला जो सॉफ्टवेयर में, और इसमें सारे एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग व्हाट्सएप का भी फीचर इसके अंदर डाला हुआ है। हमने फॉर एग्जाम्पल किसी बिल बना देती है तो उसको कस्टमर को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है। आपका जो दुकान का जो मोबाइल है ये जो सॉफ्टवेयर का मतलब इसमें कनेक्ट कर सकता है, मैंने देखो इसमें ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा खोल करके टच कंट्रोल, देखिए दोस्तों व्हाट्सएप लोडिंग करके जो आती है आपको ये यहाँ देखो इसको खोल करके ना इसको
एक QR कोड स्कैन करने के लिए परमिशन मिलती है आपको, QR कोड स्कैन करेंगे ना ऑटोमेटिकली इधर देखो रेडी बोल के आ चुका है WhatsApp, यानी ये जो WhatsApp एज सॉफ्टवेयर के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। तो आपने जो भी कस्टमर को बिल बनाएंगे ना, कस्टमर को मोबाइल पे उसका बिल का कॉपी जाएंगे, PDF कॉपी आप देख लेना किस तरीके से जा सकता है। तो इसके लिए आपको सेल पैनल में चला जाइए दोस्तों, और कोई भी मतलब कुछ आइटम्स आपने इस तरीके से सेलेक्ट करती है, यानी पे बटन क्लिक करती है, या आपको यानी कैश क्लिक कर दीजिए कितना कैश उन्होंने दिया हुआ है। इधर एक तो देखो व्हाट्सएप नंबर आपको सीधा टाइप भी कर सकता है, यानी 8078311945, ठीक है जी, ये एनेबल कर दिया आपने, इसको प्रिंट कर दीजिए। मैं आपको इधर से आपको प्रिंट आउट आ जाएंगे, ये देखिए आपको प्रिंट आउट आ चुका है KOT का, ये देखिए आपको बिल प्रिंट आउट भी आ चुका है, ठीक है जी, ये जो बिल प्रिंट आउट आ चुका है। तो हमको ये देखना है ये जो बिल जो है आपको WhatsApp पे गया कि नहीं, ये जो बिल जो आया हुआ दोस्तों, ये जो 14 रुपये का सेम बिल आपको मतलब कस्टमर को WhatsApp पे पहुंच गया होंगे। देखिए ये देखो, ये जो बिल खोलिए दोस्तों, ये देखो सेम बिल आपको देखो 14 रुपये के जो टोटल आइटम्स कस्टमर का मोबाइल में डायरेक्टली WhatsApp के माध्यम से पहुंचाती है। तो आपको इस तरीके से लाइव वेइंग मशीन लगाना है और मल्टीपल KOT लगाना है और एकदम आसान तरीके से जो सिस्टम लगाना है आपको बिलिंग सिस्टम, तो उसके लिए रेनडक क्लियर टच एंड टच कंट्रोल सॉफ्टवेयर एकदम आसान तरीके से आपने चला सकते हो दोस्तों। इसका पूरा ऑपरेशन का वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है आप मेरे चैनल में, आप थोड़ा सा देख लेना दोस्तों। और इसमें आपको WhatsApp का भी सिस्टम मिलती है और WhatsApp का जो कैटलॉग सेंड करने के लिए भी ऑप्शन मिलती है, मार्केटिंग का भी कई सारे टूल्स हमने डाला हुआ है ताकि आपको और थोड़ा सा बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। और रेनडक का जो कस्टमर केयर टीम है दोस्तों, आपको इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग आपका जो भी सॉफ्टवेयर का रिलेटेड सपोर्ट आपका हार्डवेयर कनेक्टिविटी करने के लिए, तो रेनडक कस्टमर केयर टीम अवेलेबल है दोस्तों, वो लोग आपको सारे हेल्प कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, आपको ट्रेनिंग दे देंगे ताकि आपका बिजनेस और आसान हो जाएंगे दोस्तों। Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye-bye.